मुख्य विषय था जन जनवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में लगभग 2 दर्जन सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और हम मजबूती से वहाँ इस जनरल इलेक्शन 2024 में सहभागिता कर रहे हैं। ये मुख्य था जो बताना। तथा जन जनवादी पार्टी पिछले 20 वर्षों से पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में उचित भागीदारी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वह प्रयासरत है कि इन पिछड़े, दलित तथा आदिवासी लोगों को भी समाज में सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा के क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिले। नहीं, बीजेपी के साथ तो हम लोगों का अलायंस हो चुका है, सपा का साथ छोड़ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में पार्टी को प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं समझा। उन्होंने पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। 2022 में भी जो उनके वादे थे उसके अनुरूप पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया था, और उसके बाद उन्होंने लोकसभा में बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेशन किया हमारी पार्टी का, इसलिए उनका साथ छोड़ा गया और अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में।